गाइज, नॉर्मली अगर आपकी स्क्वाड होती है जो कि CS रैंक में अगर आप खेल रहे होते हो अपनी स्क्वाड के साथ, तो गाइज आपकी स्क्वाड आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है कोई ना कोई वजह से। बट गाइज जब आप रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हो तो आपको बहुत सारा मुश्किल झेलना पड़ता है। तो गाइज आपके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है इस रैंक में जबकि आपको 1v4 या फिर 1v3 अकेले करना पड़ता है। गाइज आज मैं आपको 1v4 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। इसमें गाइज मैं आपको एक और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसकी वजह से आप सामने वाले एनिमी का स्किल पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो पूरी देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपको CS रैंक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब याद से कर लेना। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर। 1v4 कॉम्बिनेशन के लिए हमें मेन एक्टिव कैरेक्टर ओरियन को रखना है। गाइज ओरियन दो स्किल का कॉम्बिनेशन है जिसमें गाइज वोकोंग का भी पावर है और क्रोनो का भी पावर है, क्योंकि गाइज वोकोंग जैसा ये शेप चेंज करता है और क्रोनो के जैसा हर एक चीज से बचाता है जब ये यूज में होता है तब। तो गाइज हम लोग जब भी ओरियन यूज़ करेंगे तो हमें EP का ज़रूरत पड़ता है और वो भी 200 EP का ज़रूरत पड़ता है। तो देखो ओरियन तो AP पे चार्ज होता है और EP पे एक्टिव भी होता है, बट गाइज आपके पास EP ऑटोमेटिक तो जनरेट होगा नहीं, तो इसके लिए हमें गाइज नेक्स्ट स्लॉट में ऐड करना है हमारा मिगवेल कैरेक्टर। ये जब भी गाइज आप एनिमी को डाउन करोगे तब ये आपको 200 EP प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भी आप कोई भी एनिमी को डाउन करते हो तब आपको 200 EP मिलता है, जिसकी वजह से आप अपना ओरियन को आराम से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग रखेंगे गाइज इस स्लॉट में जो कि है हमारा गाइज लियोन कैरेक्टर। लियोन कैरेक्टर आपको 1v4 के टाइम काफ़ी काम आएगा, क्योंकि गाइज जब भी आप फाइट लोगे, जब भी आप एक कॉम्बैट को सर्वाइव करोगे तब ये आपको HP प्रोवाइड करता है। और गाइज लियोन कैरेक्टर विदाउट मेडिकेट धीरे धीरे आपको 60 HP तक प्रोवाइड करता है। इसी के साथ गाइज हमें 1v4 में नेक्स्ट कैरेक्टर रखना है जो कि है गाइज हमारा जोटा कैरेक्टर। अब देखो जोटा कैरेक्टर मैं इसलिए रखने को कह रहा हूँ क्योंकि आपको 1v4 अकेला करना होगा, ठीक है? तो देखो 1v4 करने के टाइम आपको HP का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपको लियोन HP दे देगा। ओरियन से आप गाइज एनिमी से बच जाओगे कुछ टाइम के लिए, बट गाइज जब आप एनिमी को हिट करोगे, जब आप एनिमी को डाउन करोगे या फिर एनिमी को मारोगे, तब गाइज जोटा आपको 50 से 60 HP एक सेकेंड के अंदर दे देगा, जिसके हेल्प से गाइज आप 1v4 ईजिली निकाल सकते हो और बुया भी निकाल सकते हो। तो गाइज आपको जोटा कैरेक्टर जरूर से रख लेना है। तो ओरायन, मिगवेल और लियोन और जोटा कैरेक्टर, इन चारों कैरेक्टर की हेल्प से आप आराम से 1v4 को ईजिली कॉम्बैट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें गाइज सेकेंड कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कि आप सामने वाले एनिमी का स्किल ब्लॉक कैसे कर सकते हो, प्लस में उसके साथ कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन। तो गाइज स्किल ब्लॉक करने के लिए हमें एक्टिव कैरेक्टर रखना है जिसका नाम है A124। ये गाइज सामने वाले बंदे को 25 का डैमेज प्रोवाइड करता है, प्लस में गाइज ये 30 सेकेंड के लिए सामने वाले एनिमी का एक्टिव पैसिव दोनों स्किल पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और गाइज CS रैंक में 30 सेकेंड इनफ होता है। तो गाइज A124 का आप जब भी यूज करोगे, और ऐसा सोचो कि अगर आपके टीममेट सामने वाले एनिमी को मतलब बहुत ज्यादा डैमेज दे दिए हैं, तो गाइज आप केवल इसका यूज करके केवल स्किल से ही बंदे को डाउन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाउन किया। प्लस में गाइज इस स्किल का यूज करके आप सामने वाले एनिमी को एकदम एडम बना सकते हो, जिसकी वजह से वो अपना कोई भी स्किल यूज नहीं कर पाएगा। अब A124 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में पहले स्लॉट में हमें रखना है गाइज मोको। गाइज मोको का फायदा ये है कि आप जब भी एनिमी को हिट करोगे गाइज उसके ऊपर मार्क आएगा एनिमी के ऊपर 6 सेकंड के लिए, और गाइज जिसके वजह से आप उसका पीछा करके आराम से एनिमी को मार सकते हो। और ये जो लोकेशन है, जो गाइज ये जो मार्क है, पूरे टीममेट्स के साथ शेयर होगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर हमें रखना है गाइज जोसेफ। जोसेफ भाई बहुत ही काम का कैरेक्टर है CS रैंक में। अगर गाइज एनिमी मोको, ओथो, राफेल या इवन ये एक्टिव कैरेक्टर जो कि स्किल ब्लॉक करता है, ये भी यूज कर रहा हो तो उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि गाइज जोसेफ पे कोई भी कैरेक्टर का असर नहीं होता। और ये जोसेफ गाइज 1 मिनट में चार्ज हो जाता है, यानी कि हर एक राउंड में आपका जोसेफ चार्ज रहेगा, जिसके वजह से गाइज अगर एनिमी ये वीडियो देख रहा है और वो A124 यूज करेगा तो आप पे जोसेफ का असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गाइज एनिमी ने मेरे पे मारा A124, मैं बच गया जोसेफ की वजह से, बट मैंने एनिमी पे मारा, वो जोसेफ नहीं यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसका स्किल ब्लॉक हो गया। लास्ट स्लॉट में गाइज हम लोग अगेन जूटा रखेंगे जो कि गाइज एनिमी को हिट करने पे HP देता है। अब ये क्लिप आप लोग देखो गाइज मैंने कैसे 1v4 किया जोटा के हेल्प से। आप लोग क्लिप एंजॉय करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।